टाइमिंग घातांक के नियम से आपको तो घातांक का नियम पढ़ते हुए काफी दिन हो गया है, आपके सारे जो रूल्स हैं, जो नियम्स हैं, जो लॉज हैं, सब क्लियर हो गया होगा ना। आई थिंक जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको रिमेम्बर हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। और अगर आपने नहीं याद किया तो कर लो, उससे कॉन्सेप्ट को समझ लो, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें कुछ नहीं है, अभी मिनट में सॉल्व हुआ, मिनट का सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट इसके लिए क्या पता होना चाहिए, थोड़ी सी हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आओ देखते हैं, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। ओके, आ जाओ सॉल्व किया जाए भाई। और अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल आप पॉज बटन क्लिक करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखना आंसर कितना आता है, आपका जो सॉल्यूशन है वो हमारे सॉल्यूशन से मैच करता है या नहीं। अगर हमारे सॉल्यूशन से मैच करता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आप सीखो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 अपॉन 9 to the power 1.5। 9 to the power कितना है, 1.5। हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं बताओ, कहीं पर 1.5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं 15/10। इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर दो 5 से, 5 2 10, 5 3 15, बोले तो आ गया अपना 3/2। हम क्या कह सकते हैं, 1.5 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1.5 इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको 1.5 मिल जाता है, मिलता है ना, आप करके देख सकते हो, तुरंत मिलेगा, ठीक है ना। तो हम 1.5 की जगह पर 3/2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आ जाओ लिखते हैं भाई। इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 अपॉन 9 to the power 3/2। जहाँ पर 1.5 था वहाँ पर हमने क्या कर लिया, 3/2 कर लिया। और क्यों किया, कैसे किया, ये तो हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। आई थिंक ये बात आपको समझ में भी आ गई, समझ में आ गई, जिसको ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी बताओ 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को, जो अपना 9 लिखा है इसको क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं 3 to the power 2, या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, और होल पावर क्या है, 3/2 है, क्या है, 3/2 है। और आपको हमने लॉज ऑफ कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था, आई मीन लॉज ऑफ इंडिसेस वाले कॉन्सेप्ट में, लॉज ऑफ इंडिसेस का जो भी कॉन्सेप्ट था वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो पावर्स होती हैं उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पावर्स हैं उनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, जो 3 to the power 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, कहीं पर लिखा हो 8 to the power n पूरी की पावर m, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम लिख देते हैं इक्वल टू 8 to the power n इंटू में m, या कहीं पर लिखा हो 2 की घात 2 पूरी की घात 3 हो, तो हम क्या कर देते हैं, 2 की घात 2 × 3, मतलब 2 की घात 6 आ जाता है, क्या आ जाता है, 2 की घात 6 आ जाता है, मतलब जो घाते हैं घातों का गुणा हो जाता है। हमने यहाँ पर भी घातों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्या कर देंगे फिर, गुणा करने पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना क्या बचेगा, अपना बच जाएगा 3 cube 2 to the power 3 अपॉन में क्या बच गया, 3 का क्यूब बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3 का क्यूब, बिकॉज वी नो दैट 2 into 3/2, सॉल्व करो इसको, सिंपलीफिकेशन करो, 2 से 2 गया, क्या बचा, 1 बचा ना, तो ही 1 नहीं बचा, सॉरी हमने क्या किया था, 2 upon 3/2, 2 से 2 गया, क्या बचा, 3 बचा, अपने पास 3 बच गया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने वही 3 केवल लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 to the power 3 बच गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये डिजिट आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो गई, अपना बचता क्या है, 2 to the power 3 बचता है, और 2 to the power 3 क्या होता है, 8, 2 to the power 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, बोले तो 8, मतलब अगर हमें गिवन क्वेश्चन जो है 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 अपॉन में 9 to the power 1.5 सॉल्व करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है 8 मिलने वाला है, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा।
तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था पॉज क्लिक करके, पॉज बटन को क्लिक करके अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था और अगर आपका आंसर 8 आ रहा है तो सब जान लीजिए आपका आंसर बिल्कुल राइट है, और अगर आपका आंसर राइट नहीं है तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को फिर से समझो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो देखो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी पढ़ते रहेंगे 2000 लेकर और बताएंगे लॉज ऑफ बिजनेसेस पे ही, उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉगरिथम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।